ऑनेस्ट, दैट्स नॉट अकाउंटेबिलिटी, दैट्स नॉट ट्रांसपेरेंसी. लॉर्ड तारिक साहब, ये जो मसला है पैसे का, सियासत में पैसा, पाकिस्तान में तो अच्छी तरह जानते हैं ये एक इशू है, तो क्या तरीका कार है, किस तरीके से आपने, क्योंकि दोनों सिस्टम देखें, दोनों सिस्टम पहचान जानते भी हैं, क्या ये एवोल्यूशन होगी वक्त के साथ होगा या कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है ताकि सिस्टम ज़्यादा ओपन हो पाकिस्तान में जिस तरीके से यहाँ पे है? जैसे अनस कह चुके हैं ट्रांसपेरेंसी, उसके साथ मैं एक बहुत अहम लफ्ज़ है जिसको हम इंटेग्रिटी कहेंगे, कि अगर आपकी बुनियाद कोई भी जमहूरियत की अदल और इंसाफ पे होगी तो फिर उस जमहूरियत की तरक्की होगी. पाकिस्तान की जमहूरियत अगर हमारे से मुकाबला करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टार्टिंग पॉइंट आप लें, अगर अभी लें, कोई तो ये भी कह सकता है पाकिस्तान की जमहूरियत को कुछ साल ही हुए हैं, क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौर से अब फिर कायम हुई है. तो जब तक ये स्टॉप स्टार्ट वाली बात रहेगी, वो जमहूरियत जो है जड़ नहीं ले सकती, जड़ लेने में भी देर लगती है. अगर आप हमारी भी यहाँ सियासत देखें, ये बात वाजे है कि हमारी माशाल्लाह इस वक्त सियासत एक बड़ी सेहतमंद है, और जैसे एलन जॉनसन की मिसाल दी है, मगर हमारी भी अपनी अब्बा जान मरहूम जब यहाँ आए थे उनने क्या किया, रेलवेज में काम किया. सईदा के अब्बा जब यहाँ आए थे उनने क्या किया, टेक्सटाइल मिल में काम किया. इसी तरह और भी बेशुमार ऐसे मसाले हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी में नहीं, हर माइग्रेंट कम्यूनिटी. मगर हुआ यह कि मेरिटोक्रेसी है, तालीम है, ओपननेस है. आपको एक अचीवमेंट आपने अगर करना चाहे, अगर मैं ये बनना चाहूँ, तालीम के लिहाज के साथ हर अपॉर्चुनिटी आपको खुली है, तो उस रंग में एक मुल्क की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो कैसे कायम करें. जो पूरे फैसेट्स मिला के एक वाकई में सेहतमंद जमहूरियत पैदा होती है. पाकिस्तान में आप सिर्फ जमहूरियत की मिसाल दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे को एक स्कूल में जाना हो, एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना हो, उसके जब तक वो जान पहचान ना हो, उसको अमूमन ऐसे ही होता है, उस बेचारे की आगे बढ़ नहीं सकता. ये आई एम इनकरेज बाई द फैक्ट, अभी एक बच्ची का हुआ था वहाँ पंजाब की हैं, जिन्होंने ऐसे GCSEs में ए स्टार लिए हैं, जिनकी अब यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है. ऐसी मिसालें और आगे आनी चाहिए, जो बिल्कुल ही मुख्तसर गाँव से, मुख्तसर शहरों से आके आगे बढ़ सकें. मगर ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आप ब्रिटिश जमहूरियत को देखें, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक वक्त ऐसा भी होता था जब, बल्कि किसी ने मजाक करा कि तारिक आप लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन बन गए, एक वक्त ऐसा होता वो तो पूरा विंबलडन की जमीने में ये मिल जानी थी, वो नहीं खत्म हो गया, तो गलत वक्त पे लॉर्ड बन गए ना, 8 से 200 साल पहले होते तो. मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी है, मेरिट भी है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी है. डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखा जाए बिल्कुल है इसमें कोई, मगर उस डिस्क्रिमिनेशन का, उसको डील करने का उसका भी मैकेनिज्म है, कि अगर किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो, क्या उम्र के ऊपर, क्या मज़हब के ऊपर, क्या रंग के ऊपर, उसका एक प्रोसेस बकायदा कायम किया गया है, और वो अदालतों तक भी जा सकता है. और वही मैं जैसे कह रहा हूँ, अदल और इंसाफ की बुनियाद की वजह से अगर डिस्क्रिमिनेशन हो, क्या बिजनेस में, सियासत, कहीं भी हो, उसका एक तरीका है जिससे आप डील